अविनाश तिवारी की बहन के साथ रास्ते में हुई छेड़छाड़, विरोध करने पर जीजा के साथ दबंगों ने मारपीट की, अभी तक पुलिस ने नहीं की कोई ठोस कार्रवाई। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अविनाश तिवारी ने फेसबुक के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी तथा सीधी जिले के SP कलेक्टर समेत विधायक केदारनाथ शुक्ला से मदद की गुहार लगाई। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं अविनाश तिवारी ने क्या कहा। नमस्कार, हम अविनाश तिवारी। आज पूरा सो नहीं पाया, कै बजला है? 3:30 बजला है। आज हमारी बुधिया फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो गया है, उसके खातिर हम रीवा में तैयारी करवा रहे हैं। हम फिल्म महिला सुरक्षा को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हम फिल्म बनाई थी। हमारे घर की महिला खुद सुरक्षित थी। आज सीधी से हमारे पहनी और चीजा घरे जा रहे हैं, टर्री से अंदर जब घुसे गाड़ा मोड़ के लगे, आए दिन उठे घटना होत रहा थी, छेड़छाड़, हाथापाई, चोरी डकैती सब उठे होत रहा थी। आज बेटू सिंह नाम के एक व्यक्ति हमारे बहनी के संगे छेड़छाड़ और जीजा के संगे हाथापाई करी से। ये अपराध कब बंद हुए में समझ में नहीं किया बनना है। जब से हम इस सुनन है हमारी फन पर है एकदम से। सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला जी से हम विनम्र अनुरोध करी थे, सीधी कलेक्टर, सीधी SP, हम अपना तुझे तीनों जन से विनम्र अनुरोध करी थी, बेटू सिंह नाव के जो व्यक्ति है जो हमें बहनी संगे छेड़छाड़ करी सी, एक गिरफ्तारी हो चाहिए। आज मैंने बहनी संगे करी सी, कल के और बहनी संगे करी, आज छेड़छाड़ करी सी, जीजक संगे हाथा पाई करी सी, केवल संगे बलात्कार कर दे। कब? आज बलात्कार हो, वीडियो वायरल हो, तब केहू के संगे कार्यवाही हो चाहिए। विधायक जी से हमारा अनुरोध है, ईमे के अपराधी पकड़े जाएं, ताकि आवे वाले समय पर बड़ी घटना का। हम लगातार फिल्म बनाई थे महिला सुरक्षा के लेके, भगवान किसम को कुछ समझे में नहीं आ बनाए। हम सिर्फ अनुरोध करीला है अपना बच्चे सब जने वीडियो को शेयर करी और सब जने ईमे अपराधी पकड़े जाएं। विधायक जी, हम नहीं चाहे कि आवे वाले समय में कुछ और ही में के हों, क्योंकि बहन बेटे के संगी में के हो जाए। अब हम कौन दूसरे काम में बिलान, घरे से हम दूर हैं, हम काम कुछ दूसरे के लिए। मेरे पास फोन आवा थे कि बैठे गाड़ा मोड़ के लगे सोनू का, हमें बहनी के नाम सोनू है, उनका छीदे हम जीजा के संगे हाथा पाए कि मारपीट करी नहीं। हमका इंसाफ चाहे, कुछ नहीं जाने। हम यहाँ दूसरे काम में व्यस्त हैं, 24 घंटे के अंदर ही ने व्यक्ति हम चाहे थे कि थाना में मिला। जब से भगवान कसम सुने हमका भन न पड़ा एकदम से, हमका उघाई नहीं लागल है। विधायक जी, इन्हें अपराधी पकड़े जाएं। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।